बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कोरोना की बात है, मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो तो तमाम इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुई हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी मुतासिर हुई हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और खुसूसन इमरान खान साहब को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि जिस अनथक मेहनत से असद उमर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसका कोरोना का मुकाबला किया और वक्तन फवक्तन जो तो पॉलिसीज़ बनाई, उनकी उस पॉलिसीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ कोविड की वजह से। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर को उन्होंने अलाउ किया कि आप कम से कम काम करते रहें ताकि जो पाकिस्तान की मईशत है वो बुरी तरह डिस्टर्ब ना हो। बाकी कुछ इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ज़रूर हुई हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बाकी मुल्कों की तरह तो पाकिस्तान को जो है तो कोविड के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, जिसके लिए मैं पूरी हुकूमत को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। और इसके अलावा जो आपने हालात की बात की, आजकल जो हालात हैं अफ़गानिस्तान से मुतालिक बात हो रही है, जब से अमेरिकन फ़ौजें जो हैं अफ़गानिस्तान से गई हैं तो पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी रखी हुई है, मैं समझता हूँ कि बड़ी मुनासिब पॉलिसी है कि दूसरे मुल्क के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही। और पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया है कि वहाँ के लोगों ने जिसको भी वोट दिया या जो भी हुकूमत बरसर इक्तदार आई, पाकिस्तान के ताल्लुकात उस हुकूमत के साथ उसी तरह होंगे जैसे कि बाकी दीगर ममालिक के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम पाकिस्तानी कौम के लिए इमरान खान की सूरत में बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि उन्होंने इस किस्म का वज़ीर आज़म नडर वज़ीर आज़म दिया कि वो आज अमेरिका के साथ भी खुल के बात कर सकता है और अफ़गानिस्तान के साथ भी कर सकता है, और चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर पाकिस्तान के मफाद में वो पॉलिसी नहीं है तो वो खुल के कंप्रोमाइज़ हुए बगैर उस पॉलिसी का नडर होकर मुकाबला करते हैं, जिसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ।